वैसे तो खासकर जो 55-60 साल के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि डॉक्टर जो बोल रहा है वैसे ही बोल रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली वो थोड़े माइंड में वो स्ट्रांग होते हैं कि हमें पीनी है तो पीनी है, डॉक्टर चाहे जो मर्जी बोले। तो उनको तो एक ही एडवाइस देता हूँ, या फिर आप उसको डबल कर दो तो बहुत जल्दी जाओगे, या फिर उसको बंद कर दो तो थोड़ा सा जी लोगे, तो तब उनको शायद थोड़ी सी अकल आ जाती है। जैसे आपने बताया कि निकोटीन जब कंज्यूम करते हैं तो लाइट फील होता है और उसी की वजह से सबको लगता है कि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, तो अगर निकोटीन को हम रिप्लेस करना चाहें मे बी अपने लाइफस्टाइल से, मे बी अपनी डाइट से, मे बी किसी भी चीज से, सो ऐसा कुछ है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं वो, ये जो फीलिंग हमें निकोटीन से आती है हमारे माइंड को वो हमें किसी और चीज से फील बिल्कुल हो जाती है। आप अपना अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, ठीक है, मेन इज एक्सरसाइज एंड गुड फूड हैबिट्स, फिर आपका जो मानसिक है, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ है वो आप फॉलो करके तो उससे वैसे आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो उन लोगों से भी आप बात कर सकते हैं जो आपके दिल के क्लोज हैं, जो खास करके क्योंकि जो लोग अपना स्मोकिंग छोड़ते हैं उनको सबसे पहले तलब लगती है खाने की, इसलिए वो सिगरेट छोड़ के खाना ज्यादा खाने लगता है और उनका इसलिए मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। वो एक उसका एक साइड इफेक्ट है, बट अगर आप उसकी जगह पे आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे और प्रॉपर फूड खाओगे और नॉर्मल रूटीन, तो फिर आपको ये सब चीज़ों का स्टार्टिंग में कुछ कुछ जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है, तलब स्टार्टिंग में लगती है, उस टाइम पे अगर आप निकोटीन च्युइंग गम और ये सब का इस्तेमाल करोगे तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली चली जाएंगी। एंड अगर सर बात करें स्मोकिंग और वेपिंग का ओरल हेल्थ पर, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आपके जो टीथ में जो भी प्लाक्स लगते हैं, डेंटल प्लाक्स हो गई, येलोइंग ऑफ टीथ हो गई, ये ज्यादा स्मोकिंग में देखने को मिलता है। वेपिंग में ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि जो केमिकल होता है, जो खासकर वेपिंग की बात करो, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल करके केमिकल यूज होता है एरोसोल में, जो कि हम कार में कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसी को ही जला के जो धुआं बनता है वो हम लेते हैं, एक तरह से वो केमिकल ही है जो हम यूज करते हैं, तो उसका कोई असर दांतों में ऐसा कोई डिटेल में नहीं देखा गया, बट स्मोकिंग से तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता ही है आपके दांतों। ओके, एंड सर जो लोग जैसे प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, अगर वो स्मोक या वेप करती हैं, तो क्या, मैं जानना चाहूंगी कि स्मोकिंग का अलग और वेपिंग का अलग उन पर क्या इफेक्ट हो सकता है, कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है या फिर कोई रिस्क हो सकता है? स्मोकिंग से तो बोला ही गया है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों पे, तो सेम गोज फॉर वेपिंग ऑल्सो। वेपिंग के अंदर एक कंपाउंड होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के जो धुआं होता है उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स उसके होते हैं। फिर एक कंपोनेंट होता है विटामिन ई एसीटेट, जो वेपिंग में देखा गया है, और वो आगे जाके आपके लंग्स को निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। सो ये काफ़ी डेंजरस है, और इसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, आपका लेड हो गया जो बैटरी में यूज होता है, दोनों में होता है, तो जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं चाहे जो मर्जी स्मोक लो उसमें ये रहेंगे कुछ क्वांटिटीज में। ओके, एंड प्रेग्नेंट वीमेन को अगर वो करती हैं तो बच्चे पे नुकसान 100% आएगा। अच्छा, जरूर होगा। ओके सर, आपने जैसे बताया कि इम्यून सिस्टम पर भी स्मोकिंग और वेपिंग का बहुत फर्क पड़ता है, तो कितना टाइम में हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हम फील करने लगेंगे कि लो हो गई है, वो इतनी एनर्जेटिक अब हम फील नहीं करते हैं, वो कितना टाइम लेता है? पहले अगर आप बात करो, मैं भी ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, COVID-19 में जो हमने देखा कि जो लोग स्मोकिंग करते थे उनको लंग्स पे ज़्यादा कोविड का असर आया, वो इसीलिए क्योंकि इम्यूनिटी आपकी डाउन थी लंग्स के अंदर, तो उसका कोविड का असर ज़्यादा था। और जो लोग स्मोकिंग करते थे, मतलब जिसको 3-4 या 4 साल हुआ है, उनको भी काफी अच्छा खासा असर हुआ है स्मोकिंग। एंड सर, मेन और विमेन दोनों पर अलग अलग फर्क पड़ता है स्मोकिंग और वेपिंग का, या फिर सेम ही रहता है? देखो, मेन के अंदर हम ज्यादातर हम रिलेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो हम मेजोरिटी लंग्स को कंसीडर करते हैं, बट यस, स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेस लो स्पर्म काउंट। अगर हम फीमेल में बात करें तो यस, उनके मिसकैरेजेस के थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं और आगे कोई डिफेक्टिव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी का भी एक मेन रीजन अभी स्मोकिंग को बोला जाता है। ओके,
सर अगर जैसे जो लोग कभी कभी ओकेशनल स्मोकर्स हैं, वैसे तो करना ही नहीं होता है स्मोकिंग और वेपिंग, बट जो कभी कभी करते हैं और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अच्छी डाइट भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है और होता है कि बैठे हैं तो पीनी पड़ गई या फिर स्मोक करना पड़ गया, तो उस सिनेरियो में अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है और वो नेक्स्ट डे अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं स्मोकिंग से, तो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो लोग ओकेजनल स्मोकर्स होते हैं उनके लिए चाहे जितने मर्जी एक्सरसाइज कर लो, लिविंग इन अ प्रॉपर सिटी, आप जो नॉर्मल आप सांस ले रहे हो वो भी पोल्यूशन करंट धुआं है ये, और आप स्मोकिंग करोगे तो डबल धुआं ले रहे हो, तो कोई भी एक्सरसाइज कर लो धुआं को निकलने में बहुत साल लग जाते हैं, कई बार वो निकलते नहीं जम जाते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर जितनी मर्जी हेल्थी डाइट ले लो या जितनी मर्जी प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर लो वो निकलेगा नहीं। सर जैसे मैंने देखा है कि रात को स्मोकिंग की है, बहुत स्मोकिंग की है सबने, ऐसा देखते भी हैं, वीडियोस भी आती हैं, एंड देन सुबह कि चलो जूस पी लेते हैं, पाइनएप्पल जूस पी लेते हैं, डिटॉक्स हो जाएगा, सो डजंट मैटर। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्मोक करते हैं अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो देयर इज अ फोटो है अच्छी, आप वो से तो डाल देना कि फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में क्या चेंजेस होते हैं, फर्स्ट आवर्स में, फिर कुछ क्या चेंजेस आते हैं, फिर कुछ डेज में, वीक्स में, मंथ्स में और ईयर्स में, उसमें एक अच्छा चार्ट रहता है। स्मोक करोगे तो पहले आपका हार्ट रेट कम होगा, उसको हार्ट रेट कम होने में 10 मिनट लगते हैं, बीपी को कम होने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, आपकी रेस्पिरेशन वो प्रॉपर आने को कम से कम 1 दिन लग जाता है और हफ्ता लग जाता है कि जो भी आपने अंदर केमिकल्स लिए उसको किस तरह से बॉडी प्रोसेस करके या डिपॉजिट करेगी या निकाल देगी, उसको हफ्ता भर लग जाता है, और प्रॉपर बाकी चीज़ों को जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम होने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर। सर जैसे आप मतलब आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे स्मोकिंग और वेपिंग के भी, ऐसे देखे होंगे कि जिनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम में, तो कोई ऐसा केस आपके पास कभी आया है कि आपने उनको पहले बोला हो कि स्मोकिंग छोड़ दो वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड कुछ टाइम बाद वो आए होंगी सर अब तो हालत खराब है? बिल्कुल, ऐसे जो खासकर जो 55-60 साल के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि डॉक्टर जो बोल रहे वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, एंड स्पेशली वो थोड़े माइंड में वो स्ट्रांग होते हैं कि हमें पीनी है तो पीनी है, डॉक्टर चाहे जो मर्जी बोले, तो उनको तो एक ही एडवाइस देता हूँ या फिर आप उसको डबल कर दो तो बहुत जल्दी जाओगे, या फिर उसको बंद कर दो तो थोड़ा जल्दी जाओगे, तब उनको शायद थोड़ी सी अकल आ जाती है उन लोगों को। सर अगर हम मिथ्स और मिसकंसेप्शन की बात करें स्मोकिंग और वेपिंग के, तो सबसे पहला मिथ जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि वेपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और भी कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में? हाँ, 2018 में एक स्टडी आई थी US के अंदर कि वहाँ के जो टीनेज या फिर जो हाई स्कूल जो था कॉलेज गोइंग, उनको लगता है कि अगर सिगरेट डेंजरस तो हम वेपिंग स्टार्ट कर दें, तो अबाउट 40% जो लोग थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे उन्होंने वेपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब जो वेपिंग स्टार्ट कर दिया दैट इज लाइक अ प्रीडेसेसर, मतलब कि स्मोकिंग से एक स्टेप का, तो वो लोग जो पहले स्मोकिंग नहीं करते वो वेपिंग करने लग गए हैं, इसी करके यही लोग जो है आगे जाके स्मोकिंग कर देंगे फिर वापस से वेपिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जो पहले लग रहा था कि ये स्मोकिंग का सेफर ऑप्शन है, अब लग रहा है कि वो स्मोकिंग का और भी बुरी हालत है क्योंकि लोगों को ये वेपिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ट्रू, और ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते थे और उन्होंने ऑल्टरनेटिवली चुना वेपिंग को, तो वेपिंग से उनका दिल नहीं भरा, वेपिंग से वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, देन वो स्मोकिंग करना स्टार्ट किया, और अभी पता लगता है कि वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं और वेपिंग भी कर रहे हैं, सो दैट्स वो तो डबल डेंजरस है, उसके अंदर आपको सारे आपको हार्मफुल केमिकल्स दोनों तरफ के भी मिल रहे हैं और दोनों तरफ के सिम्टम्स भी आपको बहुत जल्दी आएंगे। ओके, एंड सर ये तो हो गई हेल्थ कंडीशंस जो आपने बताई कि लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खराब हो सकता है, हार्ट अटैक के भी बहुत सारे चांसेस हैं, अगर एक बॉडी में चेंज की बात करें तो क्या स्मोकिंग और वेपिंग से हमारी बॉडी में भी हमें चेंज देखने के लिए मिल सकता है कोई, लाइक फैट या फिर आपको एक्चुअली क्या कि जो स्मोकिंग और वेपिंग जो होती है आपकी भूख को दबा देते हैं, तो जिसको भी भूख लगती है अगर वो स्मोकिंग कर देगा उसकी भूख आधी मर जाती है, तो ज़्यादातर आप देखो कि जो स्मोकर्स होते हैं थोड़े बहुत थिन की तरफ ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो कभी भी फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्लस ये भी होता है कि अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो काफ़ी हाई रहता है और वो आर्टरीज को बंद करने की कोशिश करता है, और प्लस जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके क्या वो हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको गाढ़ा भी करते हैं, तो आपका जो हार्मफुल गैसेज है वो आपके ब्रेन में भी जा रही है,
आपके हार्ट को भी जा रही, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर, ऑक्सीजन के नाम पे आपको गंदे गैसेस ले रहे हो, तो वही है धीरे धीरे करके फिर आपको हार्ट अटैक, जो आप देखते हैं कि 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, उसका कारण सब स्मोकिंग लाइफ स्टाइल और ये सारा कुछ उससे रिलेटेड है। ओके, एंड ये मोटे और पतले वाले से ये तो हो ही सकता है, एंड ऑल्सो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, पिंपल्स या फिर हो सकती है। फीमेल्स में ये जो हार्मफुल रेगुलेशन, जो हार्मोन रेगुलेशन होते हैं, इसमें स्मोकिंग का भी एक रोल होता है, तो वहाँ पर भी आपका ये स्मोक, क्योंकि धुआं तो आपके फेस को लग ही रहा है, तो एक तरह से वो धुआं आपको ये सब कॉज करता है। तो हम इससे ये सीखते हैं कि स्मोकिंग और वेपिंग की तरफ बिल्कुल ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो इंटरनल हो या फिर आउटर हमारी बॉडी हो, ये दोनों को ही अफेक्ट कर रही है हार्मफुल। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि ये तो हमने स्मोकिंग और वेपिंग की बात की, अभी हुक्का का भी है, तो क्या ये हुक्का जो है वो सेम उसी की तरह इन दोनों के लिए दोनों की तरह हार्मफुल है या फिर उसका कुछ अलग प्रोसीजर? हुक्का के अंदर भी वही है कि आप वो समझ लो हुक्का वेपिंग का एक नीचे वाला स्टेप है। ओके, ठीक है, बट उसमें है कि जो कोयला जलाते हैं कोयले से भी गैसेस निकलती है, ठीक है, तो उसमें एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो अगेन जो पेट्रोल के जलने से निकलती है, तो एक तरह से ये जितने भी आप धुआं ले रहे हो एक तरह से वो आपको अफेक्ट करती ही करती है। ओके, एंड सर टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो भी लोग स्मोकिंग या फिर वेपिंग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस दें, कुछ सजेशन दें। जिसको भी छोड़नी है सबसे पहले तो अपने दोस्तों से दूर रहें, क्योंकि पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्मोकिंग या वेपिंग की तरफ आकर्षित करती है। जो लोग स्मोकिंग या फिर वेपिंग करते हैं अगर आप उनसे दूरी बना के रखेंगे और आपका इंटरवल पावर होगी, आप वैसे ही ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। और अगर किसी को भी अगर इसमें भी छोड़ने में समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज मिलती हैं, कुछ मेडिकेशन भी काम आती है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ द विल पावर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली होगी स्मोकिंग और वेपिंग को लेकर, जो दिमाग में चलता रहता है उसके सोल्यूशंस मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।